जिंदा रहना है तो खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। मेरे चाहने वाले, मेरे यार, मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर के तमाम मेरे मोहब्बत करने वालों और मेरे दोस्तों की दुआओं के, और मेरी नाज़नीन खत्री, मेरी लॉयर, उसकी मेहनत, उसकी कोशिश और संविधान के कानून, और मेरे चाहने वाले, मेरे फैमिली वाले, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई लोग, सबकी दुआओं से, मेरी बहनों की, और मेरे फादर, मेरे हीरो, उनकी दुआओं से आज मैं बाहर हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और मुझे यकीन है कि आप लोग हमेशा मेरा साथ देते हो। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सच बोलना गुनाह नहीं है, ये हमारा हक है, और मैं अब इंशाल्लाह सत्ता में आऊंगा, कोशिश करूंगा कि ये आवाज कुछ पावर में आके कुछ करे इंशाल्लाह ताला, और उसमें मेरे को आपकी हेल्प लगेगी। मेरे साथ रहिएगा, मेरे लिए दुआएं करते रहिएगा, और इंसाफ के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है, बाहर आना बहुत जरूरी है। और मैं ये सिर्फ किसी मुसलमान से नहीं कह रहा हूं, ये मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों से कह रहा हूं कि कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना, और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना।